स्वागत करता हूँ दोस्तों मेरे YouTube चैनल कपिल तलरेजा पे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों आपसे कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा कि ब्रांडेड मेडिसिन्स और जेनरिक मेडिसिन्स, इनमें क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं आज, कि दोस्तों ये जेनरिक दवाई अगर आपको पता लग जाती है जो कि ब्रांडेड आइटम्स में आप लेते हैं, तो आपका काफ़ी सारा पैसा उसमें आपका सेव हो सकता है। बट वो मेडिकल से आप एक बार पूछ के लेंगे तो बेटर है दोस्तों, क्योंकि उसका पावर और उसके कंटेंट्स जो है आप देख के ही लेंगे तो बेटर होगा। शुरू करता हूँ दोस्तों अपना वीडियो। व्हाट आर ब्रांडेड मेडिसिन्स? ब्रांडेड मेडिसिन इज द ओरिजिनल प्रोडक्ट दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। व्हेन अ कंपनी डेवलप्स अ न्यू मेडिसिन, द प्रोडक्ट मस्ट अंडरगो and pass rigorous tests and evaluations to ensure that it is both effective in curing the condition it claims to treat and safe for human use. Before pharmaceutical companies invest considerable amounts of money to develop a new medicine, they are given the sole right to manufacture and distribute the medicine for a period of time. When a pharmaceutical company is given sole rights of manufacture and distribution, the medicine is said to have a patent on it. A patent is a technical description of what the drug is and what is added for a period of time. After the patent is granted, no one else can produce a drug that is the same as the pendant drug. The medicine belongs exclusive to the original copy. For this reason, blended medicines are the most well-known and most trusted type of that particular medicine. ठीक है दोस्तों, तो ये डेफिनेशन था ब्रांडेड मेडिसिन्स का। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बताऊंगा कि जेनरिक मेडिसिन उसकी क्या डेफिनेशन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये समझना दोस्तों, प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अ जेनरिक मेडिसिन इज़ अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल ब्रांडेड प्रोडक्ट। वंस द पैटेंट ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट हैज़ रन आउट, द फार्मास्यूटिकल कंपनी हु डेवलप्ड द मेडिसिन नो लॉन्गर हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस and distribute the medicine. Other pharmaceutical companies are able to create their own version of their medicine. The type and quantity of the active ingredient in the generic product is the same as branded version, but the inactive ingredients are slightly different. The generic medicine is sold under a different brand name and it may look different, example in color or shape, to the original. Difference between generic and branded medicines are important for people who have allergies and
intolerances to some of the inactive ingredients used to make the medicine. Therefore, it is very important to discuss any allergies you may have with your doctor and pharmacist before you take any medication and before you switch for using a brand name medicine to generic medicine or vice versa. ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा वीडियो यहाँ पे पूरा हो रहा है। ये डिफरेंस एक स्मॉल वीडियो था मेरा, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि ब्रांडेड और जेनरिक में क्या फ़र्क है। फ्रेंड्स, अगर आप ब्रांडेड आइटम्स से जेनरिक में जाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें तो ही उसका लाभ उठाएं दोस्तों। ये जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन का। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ और ये वीडियो मेरा उन फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुँचाएँ जिन्हें आपको लगता है कि उनकी ज़रूरत है। थैंक यू।